माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से कृपया आए और हम सभी को संबोधित करें। आज के इस सिटी बस सर्विस की शुभारंभ पर हमारे साथ बीच में उपस्थित हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मंत्री बल्लमगढ़ के विधायक भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारे पिछला के लोकप्रिय विधायक नैनपाल रावत जी, फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, स्मार्ट सिटी की सीईओ मैडम गरिमा मित्तल जी, सिटी बस सर्विस जिनकी देखरेख में आजकल चल रही है सी हमारी आईएएस अधिकारी अंजू चौधरी जी, निर्मल कुश्रेष्ठ जी और यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार और छायाकार मित्रों, जैसा आप जानते हैं आज बल्लमगढ़ के इस बस अड्डे से फरीदाबाद शहर के लिए सिटी बस सर्विस की शुरुआत की जा रही है। पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तेज गति के साथ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, गांव हो, गरीब हो, शहर हो, किसान हो, सबके लिए नई नई योजनाएं लाकर उनको जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है, उसी तरह हरियाणा में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी चहुंमुखी विकास चारों तरफ दिखाई देता है। गांव हो, शहर हो, कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो, सब जगह आपको विकास होता हुआ नजर आएगा। देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, इतना समय भी नहीं है, लेकिन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में शुमार हुआ, स्मार्ट सिटी के तहत यहां पर काम हो रहे हैं और उसी निमित्त आज सिटी बस सर्विस फरीदाबाद के लोगों को समर्पित की जा रही है, जिससे उनका आवागमन आसान होगा, समय भी कम लगेगा, दुर्घटना की संभावनाएं बहुत सीमित हो जाएंगी और पैसा भी उनका कम खर्च होगा। अच्छी एयर कंडीशन बस की सुविधा उनको मिलेगी, नज़दीक के मेट्रो स्टेशन पर उनको पहुंचाने का काम ये बस सर्विस करेगी। अब तक लोग थ्री व्हीलर में, टैक्सी में, अपनी गाड़ियों से और मेट्रो स्टेशन जाते थे, वहाँ पार्किंग की दिक्कतें रहती थी, ऑटो में सफ़र करने से दुर्घटना का संभावना बहुत होती थी। अब आसानी से सिटी बस के द्वारा सस्ते किराए में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा और मैं फरीदाबाद वासियों को आपके माध्यम से विश्वास लाता हूं, ये सिटी बस सर्विस एक जैसे है ना, डिमांड और मांग इस पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे इसका रेस्पॉन्स मिलेगा शहर के लोगों की तरफ से इस सर्विस को, वैसे वैसे बसों की संख्या बढ़ाई जाती रहेगी। तो ये बसों की संख्या बढ़ाना रेस्पॉन्स पर निर्भर करता है, खाली तो चलानी नहीं। तो मैं आपके माध्यम से शहर के लोगों को ये आग्रह करना चाहूंगा कि सिटी बस सर्विस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसका आनंद लें, अपने सफर को सुरक्षित करें। तो ऐसी मैं उनसे अपील करना चाहूँगा और आज मैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों का भी, अपने सिटी बस सर्विस के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस सब सुविधाओं के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे बल्लमगढ़ ये बस अड्डा है, एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की इसके बारे में भी चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़मीन 21 एकड़ के करीब इस बस अड्डे पर है,
बहुत प्राइम लैंड है, जहाँ जहाँ से मेट्रो भी चलती है, ट्रांसपोर्ट भी चलती है, हाईवे भी, नेशनल हाईवे भी गुजरता है। तो इसका बस अड्डे का उपयोग, ये आधुनिक बस अड्डा बने, एक मॉल की तरह बने, इसमें दुकानें भी हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो, और माल रूपी इस तरह एक बड़ा पैसा उस पर खर्च करके इसको बस अड्डे को माल का रूप दे करके, ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की चल रही है, और उम्मीद है बहुत जल्दी ही आपका ये बल्लमगढ़ बस अड्डे का स्वरूप आपको बदलता हुआ नजर आएगा, और एक बहुत सुंदर बस अड्डा मॉल के रूप में यहाँ बनेगा, ऐसी सोच सरकार की चल रही है। एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।